Day 12 of a Mirror Now campaign, Old Car, Not Big Car. We continue to highlight how vehicles of people in the national capital have been towed away without being given any notice and then sent away for scrapping. Our campaign has forced the government on the back foot. The Transport Department and the MCD have both assured to look into the complaints but have done very little in terms of concrete action. And to get us more details, I'm joined by my colleague Ishika this morning. Well, Ishika, good morning. Take us through what can we expect out of the meetings that may now take place between the Transport Department and the MCD with those vehicle owners who have been aggrieved and calling us over here for a campaign. What can we look towards? What is going to be the way forward for them? Well, yes, Samia, you know, it is the week two of our campaign, Old Car, Not Big Car. And through this campaign, we have seen many citizens of Delhi, you know, who have come forward and who have complained that, in fact, their cars were towed away by the Transport Department officials of the Delhi government without giving any prior notice. And after our campaign, now, in fact, you know, we are seeing that the MCD and the Transport Department are holding meetings with these citizens. And they have also assured, if we talk about the MCD, that they will be looking into the matter of prior notice not being given to the citizens here. Now, I have one individual with me. I'll go across to get his opinion on this. Sir, ye hum ek Mirror Now pe campaign kar rahe hain, jisme ye jo Transport Department ki jo scrapping drive hai, usme usse log kafi pareshan hai. Log keh rahe hain ki jo unki gaadiyan uthai ja rahi hai pollution ke naam pe, lekin unhe ek prior notice tak nahi diya ja raha. Wo kahin pe bhi jaate hain, wapas lautte to unki gaadi gayab hai. इसे आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो प्रदूषण की समस्या है वो किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, सबके लिए है जो भी यहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली में. और दूसरा, गवर्नमेंट का जो इशू है कि गाड़ियाँ स्क्रैप करने के लिए उठाना, गवर्नमेंट को पहले तो प्रायर नोटिस देना चाहिए. और इसमें पॉलिसी चेंज कर सकती है गवर्नमेंट अगर चाहे तो, जिन स्टेट्स में या जहाँ पर पॉल्यूशन की समस्या हमारी कम है वहाँ पर गाड़ियों को जो है सस्ते दाम पे दूसरे ओनर जो है खरीद सकते हैं अगर किसी को खरीदना हो तो, उससे जो यहाँ पे ओनर हैं उनको भी बेनिफिट होगा. और कुछ ऐसे जो है कस्टमर होते हैं जिनको सस्ती गाड़ियाँ ज़रूरत होती है उनको सस्ते में गाड़ियाँ मिल जाएंगी और इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा. स्क्रैपिंग करने से जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है वो हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन जो है थोड़ा तरीके से होना चाहिए, इसमें कुछ सुधार होने चाहिए जिससे जो है कार ओनर्स व्हीकल ओनर्स को जो है नुकसान न झेलना पड़े. वही हम देख रहे हैं ना कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि काफ़ी लोगों की जो गाड़ियां हैं वो वेल मेंटेन्ड है, प्रदूषण नहीं उतना फैलाती हैं. और सवाल ये भी उठता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो पुरानी हैं जो चल रही हैं, तो लोगों का ये भी कहना था कि फाइनेंशियल बर्डन सिर्फ उनके ऊपर क्यों आए. वही हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अब ये बोल दिया है कि जो लोग हैं जिन्होंने गाड़ियाँ बाहर से ली हैं, वैलिडिटी अभी तक है, उनकी गाड़ी लौटा भी दी जाएगी, लेकिन उन्हें ये प्रूफ करना होगा पहले कि उनकी जो गाड़ियाँ वो ज़बरदस्ती उनके घरों से उठाई गई है. इसे आप कैसे देखते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो ये है कि अगर कोई व्हीकल ओनर ये बोलता है कि हमारी गाड़ी वेल मेंटेन्ड है तो अच्छी बात है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारी गाड़ी पॉल्यूशन कर रही कि नहीं कर रही है. वो उसके लिए हमें जो पॉल्यूशन चेक होता है उसमें हमारे पास जो रिजल्ट सामने आएंगे. अगर हमारी गाड़ी मानकों के आधार पर जो है सही साबित नहीं हो रही तो उसमें फिर गवर्नमेंट का सही कदम है. लेकिन अगर आपकी गाड़ी अगर पॉल्यूशन के जो मानक हैं उनके आधार पर खड़ी हो जाती है तो आपको जो है फिर टाइम देना चाहिए, या फिर आपको जो है उन गाड़ियों को किसी अदर स्टेट में जो है अगर आप चाहें सेल करना चाहें जहाँ पे कोई कस्टमर आपको मिल रहा है तो उसके लिए भी कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए. तो मतलब गवर्नमेंट को दूसरे तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए. गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से हो रहा है इसमें सुधार करना चाहिए. और दूसरी रही गवर्नमेंट व्हीकल्स की बात, तो गवर्नमेंट्स के लिए तो जो है अगर एकदम से गाड़ियां हटाने तो हमारे गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है वो आम नागरिक के ऊपर बर्डन है, क्योंकि हमारी टैक्सेस से ही जो है ये गाड़ियां खरीदी जाती हैं. तो गवर्नमेंट सोच समझ के इसको करेगी, लेकिन इसमें जो है आम पब्लिक को प्रायर नोटिस देना बहुत ज़रूरी है. So, Sami, you know, you were just hearing this gentleman. He even says, you know, that the people here of Delhi should be getting a prior notice. The prior notice here is a must. And also, you know, the government should, you know, formulate more ways to implement this very drive here. You know, there should be other methods as well, so that the common citizens here, the aam aadmi on the ground, does not feel burdened by this policy of the Delhi government. Over to you.
Well, absolutely, Ishika. Thank you for getting us those voices from the ground. We leave it at that for the moment.